और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से, बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दे रहे हैं, कक्षा 10 और 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कक्षा 12वीं की 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक परीक्षा होगी। दोनों बोर्ड की सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक परीक्षा चलेगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, राजस्थान बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, पूरा टाइम टेबल आ चुका है। तो 10वीं और 12वीं के लिए अब तारीख जारी कर दी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। संवाददाता निवास वैसा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। निवास, राजस्थान बोर्ड एग्जाम की डेट जारी कर दी गई है। जी देखिए, शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया गया है और कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल है वो जारी हो चुकी है। जो 12वीं की एग्जाम है 29 फरवरी से शुरू होगी और 4 अप्रैल तक, क्योंकि दोनों बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी और 11:45 तक इनका टाइम है। कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो 7 मार्च से शुरू होगी और 30 मार्च तक चलेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो लोकसभा चुनाव आने हैं तो मार्च के मिड तक आचार संहिता लगने का डर था। इस बार मार्च के मिड तक जो एग्जाम होती थी वो इस बार टाइम टेबल जल्दी जारी किया गया लोकसभा चुनाव के चलते, ताकि चुनाव का जो कोई भी असर है वो परीक्षाओं पर नहीं पड़े और चुनाव शुरू होने से पहले जो परीक्षाएं हैं वो पूर्ण चल जाए। इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने आज दोनों जो बोर्ड परीक्षा है उनका साथ जो परीक्षा जो तिथि है वो घोषित कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है, 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होने इसको लेकर पूरा परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है। निवास, जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम की डेट जैसे जैसे नजदीक आती है वैसे ही जो बच्चे हैं उनके अंदर एक जो धड़कन उनकी बढ़नी भी शुरू हो जाती है, निवास इस तरीके से जो तैयारियां जो लोग कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जाएंगी और क्या तैयारी भी शिक्षा विभाग कर रहा है इस बोर्ड को लेकर? जी देखिए, इसको लगातार बोर्ड को लेकर जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है उनकी भी आज सचिवालय के अंदर है वो मीटिंग हो रही, और जो शिक्षा विभाग है उनको किसी भी कीमत पर उनको आश्वासन दिया गया, निर्देश दिए गए कि किसी भी कीमत पर जो बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है, संचालन संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रोटोकॉल से संबंधित, प्रेजेंटेशन से संबंधित जो भी बन पड़ता है बोर्ड के द्वारा वो पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री द्वारा ये हिदायत दी जाएगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कई बार देखे गए हैं कि 10वीं और 12वीं के जो पेपर है वो आउट होते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री द्वारा ये पहले ही इस स्तर पर बैठक की गई है, क्योंकि 10वीं और 12वीं का जो आज परीक्षा तिथियों का जो कैलेंडर आया उससे पहले ये मीटिंग ली गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा का जो तिथि घोषित होगी, परीक्षा की जो बिल्कुल, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम कराने की तैयारी भी की जा रही। शुक्रिया आपका निवास, अधिक जानकारी।